राम राम साथ चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला जोधपुर के गाँव डोली में, जिसका ब्लॉक पड़ता है लूनी। आपको बता दें, इस गाँव की जो मुख्य फसल है वो है मूंग और बाजरा। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव डोली में। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव में ले चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो लग चुकी है। आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आपने कोई यंत्र लिए हैं? हाँ, हमने ड्रिप सिस्टम लगाया है और फव्वारे भी लगाए हैं ताकि कम पानी में ज़्यादा सिंचाई कर सकते हैं और कम लागत में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो आपने जो ड्रिप सिस्टम लगाया है, तो आपने कितने समय पहले लगाया? मैंने ये दो साल पहले लगाया था। तो जब आपने ड्रिप सिस्टम लगाया तो कौन कौन से दस्तावेज आपको देने पड़े? हमने वो खेत की जो नकल गिरदावरी और नक्शा दिया था और बाकी जो किसान के जो हमारे नाम से ज़मीन के कागजात वगैरह दिए थे और फिर कोटेशन लाया और मार्केट से जो सरकार की जो सब्सिडी मिलती है उसकी कृषि अधिकारियों से उसके बारे में जानकारी ली। आपने इसके जो दस्तावेज थे कहाँ पर दिए? जो ये जोधपुर में जो कृषि कार्यालय है वही जमा करवाए थे। जो आपने ड्रिप सिस्टम लगाया, तो आपके कितने प्रतिशत पानी की बचत हुई है? पानी की अच्छी बचत हुई। पहले हम लोग एक बीघे में भी सिंचाई नहीं कर पाते थे, तो अभी हमारा ड्रिप सिस्टम से हम 4-5 बीघे में कर लेते हैं। लाभकारी है? लाभकारी, बहुत ही लाभकारी। लागत में भी कमी आई होगी? लागत में कमी आई कि पानी वेस्टेज नहीं जाता और फिर खरपतवार भी, क्योंकि पानी पौधों को ही मिल पाता है, बाकी जमीन खाली जमीन को नहीं मिलता, तो पानी और मजदूरी दोनों की बचत हो जाती है। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो जो सिंचाई का जो यंत्र लिया है उन्होंने ड्रिप का, तो उसमें उनकी पानी की बचत हुई और लागत में भी कमी आई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कोई यंत्र लिए हैं? हमने ड्रिप सिंचाई लगाई है ज़्यादातर करके, 4-5 साल से लगाई है। मिर्ची वगैरह करते हैं, फुहारा भी लगवाए हैं और ज़्यादातर मिर्ची और बैंगन करते हैं इसे, और इसमें टाइम का बचत है, पानी का बचत है, दवाई खाद का भी बचत है, तो हमारे किसानों के लिए बहुत ही कारगर चीज़ है और किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। तो आपको इसकी जानकारी कहाँ से हुई? हमको जानकारी हमारे जो कृषि विभाग है जोधपुर से, वहाँ से हमारे को जानकारी मिली। वहाँ जाने के बाद वहाँ के अधिकारियों ने हमें मोटिवेट किया कि ये करना है, ऐसे करना है, वहाँ से जानकारी ली हमने। अगर हम बात करते हैं इस गांव की, तो इस गांव में जो पानी का स्तर है वो क्या है? पानी का स्तर 20-25 साल पहले बहुत ज़्यादा पानी था, 170-180 फुट 200 फुट पे पानी कूँ पानी था, 15-20 फुहरे का। धीरे धीरे ड्रिप सिंचाई तो अभी आई है हमारे इधर, 5-7 साल या 10 साल हो गए किसानों ने लिए, तो पहले कमाई भी किसानों की कम थी और पानी वेस्टेज ज़्यादा होता था। अब ड्रिप आने के बाद पानी का भी बचत हुई है, किसानों की लागत में भी कमी आई है। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि जब से उन्होंने ड्रिप सेट अपनाया तो पानी की भी बचत हुई है और लागत में भी कमी आई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने सिंचाई के कौन कौन से यंत्र लिए? सिंचाई के लिए सिर्फ मैंने ड्रिप सिस्टम ही मेंटेन किया हुआ है और मैं डिपार्टमेंट से लेके नहीं आया, चूँकि मैं
बीएससी एग्रीकल्चर से हूँ, हॉर्टिकल्चर से हूँ, मेरी ये जानकारी पहले से है। इस ड्रिप का बेनिफिट्स क्या है वो सब मुझे पता है, तो मैं उसी ड्रिप के इसलिए मैंने ड्रिप यूज़ किया है। रही बात ड्रिप से जो मेन बेनिफिट्स हैं, ड्रिप और मल्चिंग साथ में मैं वो भी काम में लेता हूँ। मल्चिंग काम में लेने से हमारा जो पानी है वो एवपोरेशन भी नहीं होता है और पौधे की जड़ों के पास हल्की सी गर्मी बनी रहती है। और अगर हम बात करते हैं इस गांव की, तो इस गांव में जो पानी का स्तर है वो कितना है? पानी अभी लगभग 400 से 600 फीट के बीच में पानी है और ये लगातार कम होता जा रहा है। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जो ड्रिप सिस्टम है वो लाभकारी भी है, 70% पानी की बचत भी होती है, पर उनका कहना है कि 450 से 600 फुट नीचे है। अगर हम बात करते हैं जिला जोधपुर के गांव डोली की, तो उनका कहना है कि अगर पानी का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जाएगा तो किसान की जो लागत है वो बढ़ती जाएगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने सिंचाई के कोई यंत्र लिए हैं? हाँ, बूंद बूंद सिंचाई ली गई हुई है और फुहारे भी लगे हुए हैं। बताएं जो आपने सिंचाई का यंत्र लिया, आपको उसकी जानकारी कहाँ से हुई कि सिंचाई के यंत्र भी मिलते हैं? जोधपुर कृषि विभाग से। तो आपने कितने एरिया में लगाया है? एक हेक्टर में। एक हेक्टर में जो आपने लगाया, कितनी लागत लगी आपकी? हमारे आज से 7-8 साल पहले लगी हुई है, उस समय 50% मिला था। तो जो 50% की आपको सब्सिडी मिली वो आपको उसमें लाभ मिला? हाँ, लाभ। योजना लाभकारी है? लाभकारी। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि योजना जो है वो लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। ये क्या हो रहा है? काश्वी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए पीजीएस ऑर्गेनिक का। ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव डोली की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। जी आप बताएं, आपने इस योजना से लाभ लिया है? हाँ, इससे मैंने 78 में जब फव्वारा सिस्टम आया था उस समय लिया था, और उससे मुझे ये लाभ हुआ था कि जो मेरे खेत की ज़मीन थी वो ऊपर नीचे थी, उबड़ खाबड़ थी, तो उसके अंदर फव्वारा लगा के और मैंने उसमें गेहूं रायड़े वगैरह की फसल लेती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती गई उस हिसाब से, उसके बाद में जब बूंद बूंद सिंचाई आई तो फिर वो भी मैंने, वो सरकार की तरफ से ना लेके मैंने अपने निजी पैसों से खरीद के और अपने फार्म पे बूंद बूंद सिंचाई लगाई। और इसका मुझे ये ज्ञान पहले नहीं था,
लेकिन मुझे राजस्थान सरकार की तरफ से इसराइल जाने का मौका मिला। जब मैंने वहाँ पर देखा कि पानी को किस तरह से बचाया जाता है और किस तरह से खेती की जाती है, तो मैं इसराइल से वापस आई। उसके बाद में मैंने अपने पूरे खेत में बूंद बूंद सिंचाई की ड्रिप लगा के और उससे मैं सिंचाई करती हूँ और उससे करीब 70% पानी बचता है मेरा। 30% में मेरे खेत में पूरी सिंचाई हो जाती है और उसके बाद में बिजली की भी बचत होती है कि जो रेगुलर एक पंप चलता था जो पानी जाता था फ्लड इरिगेशन से, वो बंद हुआ है और उससे मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं कम से कम ज़्यादा ना सही, अगर मेरी तरह एक एक किसान इस तरह से पानी की बचत करेगा तो शायद हम किसानों के लिए पानी काफ़ी लंबे टाइम तक बचेगा। अगर हम फ्लड इरिगेशन करेंगे तो पानी बहुत कम है और बहुत ही कम समय में ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो किसान पैदा क्या करेगा, और जब पैदावार नहीं होगी तो जनसंख्या खाएगी क्या। तो हमें इस तरफ सोचना चाहिए कि हमें पानी की बचत करके और पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए हमारी महिला किसान ने कितनी अच्छी बात कही है कि आपको अपने पानी को बचाना है और पैदावार को बढ़ाना है। अगर आपका अपना खुद का कर्तव्य है कि आप पानी को बचाएं और ये जो बूंद बूंद पद्धति है, ड्रिप सिस्टम है, स्प्रिंकलर है या रेनगन है, आप इन यंत्रों को अपनाएं और इससे लाभ प्राप्त करें। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने इस योजना से लाभ लिया है? हमने ड्रिप लगाई है और बोरियां लगाई है हमारे खेत में। जो आपने ड्रिप लगाई है, आपको उससे कितने प्रतिशत बचत होती है? बहुत बढ़िया बचत होती है। और पैदावार अच्छी होती है? पैदावार अच्छी होती है। देखिए हमारे किसान बहन ने कहा है कि ड्रिप से उनकी पैदावार अच्छी हो रही है और जो योजना है वो लाभकारी है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने सिंचाई के यंत्र लिए? हाँ। बताएं कौन सा यंत्र आपने लिया? बूंद और फुहारा दोनों आए। तो आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली? कृषि विभाग से, जोधपुर। आपको इस पर कितने प्रतिशत सब्सिडी मिली? 50%। किस वर्ष में आपने लगाई है? 5 साल हो गए। योजना कैसी लगी आपको? ठीक है। और कौन सी फसल में आपने ये जो यंत्र लगाए हैं, कौन सी फसल में लगाए हैं? मिर्ची में। मिर्ची में, तो आपने जब मिर्ची में लगाया तो आपको जब आपने ड्रिप अपनाई, फुहारा अपनाया, तो बदलाव महसूस किया कुछ? बदलाव महसूस फुल हुआ। क्या बदलाव महसूस किया? ये तो पानी बचत हो गई, ये दवाई खाद की बचत हो गई, सब बचत हो गई किसान के लिए तो। और लागत में भी कमी आई है? लागत में कमी आई। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनको ये इस योजना से लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि जो दवाई खाद है उसकी भी बचत हुई है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब ड्रिप स्प्रिंकलर के अंदर ही दवाई दे देते हैं तो वो पूरे खेत में चली जाती है और जो हमारे खरपतवार है वो भी नहीं होते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने कोई यंत्र लिए? बताएं कौन सा यंत्र लिया आपने? फुहारा लिया है, ड्रिप लिया है, सोलर प्लेट लिए हुए हैं, तीन आए। कितने प्रतिशत आपको इस पे सब्सिडी मिली? मैंने सबसे पहले जो ड्रिप सिस्टम सोलर प्लेट सिस्टम चालू हुआ उस टाइम लिया, 90% सब्सिडी मिली थी शुरुआत में। बाद में धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कम कर दिया थे, शुरुआत में ज्यादा सब्सिडी थी, अब सब्सिडी कम कर दी थी गवर्नमेंट। आपने फुहारा विधि भी लगा रखा है? फुहारा विधि लगा रखा है, ड्रिप लगा रखा है। कौन सी फसल में लगाया आपने? बागवानी है, अनार की और जीरा है। पैदावार अच्छी हो रही है? जोरदार। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि पैदावार जोरदार हो रही है और उनको इससे लाभ मिला है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, कौन सा यंत्र आपने लगाया? ड्रिप और फुहारा। आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली? गाँव में कृषि पर्यवेक्षक से, यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक है हमारे गांव में, उनसे जानकारी मिली मुझे। तो आपने कौन सी फसल में लगाया है? मैंने मिर्ची और टमाटर में ड्रिप लगाए हैं और जीरा रायड़ा इसमें फंवारा है। इससे पहले आप कैसे करते थे जब तक आपने यंत्र नहीं लिए थे? वो क्यारी से करते थे, क्यारी बना के करते थे, उसमें आदमियों की ज़रूरत ज़्यादा तो होती थी, अब बस ड्रिप में चलता है तो वो आदमी की बचत होती है, मजदूर कम लगते हैं। अगर हम बात करते हैं खर्चे की, तो खर्चे में कितने परसेंट आपको कमी नज़र आई है? जी कमी तो बहुत नज़र आई है, जैसे पहले तो हम क्यारी बनाने के लिए आदमी की ज़रूरत होती थी, फिर उसमें सिंचाई करने के लिए उसमें आदमी की ज़रूरत होती थी, अब तो बस चालू कर दिया, पंप चालू कर दिया और हो गया मामला। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा कि पहले उनको खर्चा ज़्यादा लगता था, अब खर्चा कम हो गया है
और उनको इसमें लाभ प्राप्त हुआ है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव डोली की चौपाल चर्चा में। अब हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? बिल्कुल जैविक खेती करते हैं। बताएं जैविक खेती आप कब से कर रहे हैं? मैं करीब 3 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले भी ज़्यादा केमिकल नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे ज़्यादा पैदावार के लिए ऐसा होता है कि थोड़ा यूरिया DAP का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन फिर ये ज़मीन ख़राब होने की जो लक्षण दिखने लगे और पानी भी ज़्यादा जहरीला हो रहा है, गहरा जा रहा, तो जितना जहरीला उस हिसाब से लगा कि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो खर्चे कम करने के लिए और घर में उपलब्ध देसी खाद और जीवामृत वगैरह डिकम्पोजर वगैरह के बारे में सुना था, तो उस हिसाब से लागत कम करने के लिए हमने जैविक खेती की। तो लागत कम हो रही है आपकी? अब लागत कम हो रही है क्योंकि मार्केट से जो दवाइयाँ कीटनाशक हम लाते थे वो अभी नहीं ला रहे हैं, और वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में सुना था तो वो भी एक अच्छा उत्पाद है, तो उसको लाके हमने यहाँ पे घर पे बनाया और उसको अपनी देसी खाद को डिकम्पोज करने के लिए हमने डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया और जीवामृत है घर से नीम धतूरा आग वगैरह से कीटनाशक बनाया, तो उससे हमारा काफ़ी फायदा हुआ है। मेहनत तो काफ़ी लगती है लेकिन फिर भी मार्केट का खर्चा काफ़ी बच गया। लागत में कितनी कमी आई है? लागत तो अभी मजदूरी थोड़ी बढ़ गई लेकिन मार्केट का खर्चा काफ़ी बच गया, तो पैदावार भी ठीक ठाक हो रही है। पहले एक होता है सो मतलब चर्चाएं होती है कि जैविक खेती से उत्पादन कम होता है, लेकिन क्या है कि ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल किए गए खेतों में शुरुआत में 2-3 साल थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद पैदावार उससे भी अच्छी होने लगती है, और अगर हम अपने उत्पाद मार्केट में अच्छी तरह प्रबंधन करें उसका तो कीमत भी अच्छी मिलती है। लेकिन जैविक खेती का आपका जो उत्पादन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? उत्पादन बेस्ट हो रहा है क्योंकि उसमें हानिकारक कोई भी विषैले पदार्थ नहीं होने से क्वालिटी अच्छी होती है उसी उत्पाद की, और मार्केट में वैसे मार्केटिंग की समस्या ज़्यादा है इसकी क्योंकि आम लोग उसको समझते नहीं है, मंडी में जाते हैं तो एक समान भाव मिलते हैं उसके, तो वो मार्केटिंग की समस्या है, लेकिन हम अपना प्रोडक्ट अगर कस्टमर तक पहुँचाएँ तो भाव अच्छे मिल जाते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जैविक खेती लाभकारी है, वेस्ट डिकम्पोजर से उन्होंने जैविक खेती की शुरुआत करी, परंतु जब बात करते हैं मार्केट की तो कह रहे हैं कि मार्केट में जैविक खेती का जो उत्पाद है उसका भी वही रेट मिलता है और जो फर्टिलाइजर डालते हैं उसका भी वही रेट मिल रहा है, तो उनका कहना है कि अगर जैविक खेती की उनको मार्केट करते हैं तो उनको पर्टिकुलर व्यक्ति पर जाना है, उनको समझाना है कि मेरा जो उत्पाद है वो जैविक है, तब उनको अच्छे दाम प्राप्त होंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैविक खेती करते हैं आप? करते हैं। बताइए जैविक खेती किस प्रकार से करते हैं? जैविक खेती दी कंपोस्ट जैसे ये खाद बनाने का तरीका ये बताया, हमारे यहाँ ये कृषि प्रशिक्षण है वो उन हिसाब से। तो जैविक खेती आपको लगती है लाभकारी है? लाभकारी तो आगे धीरे धीरे होगी, आगे अभी तो कोई लाभ इसमें है नहीं। कितने समय से आप कर रहे हैं? एक साल से कर रहे हैं खेती हम। बदलाव महसूस हो रहा है कुछ? थोड़ा बहुत। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो एक साल से जैविक खेती कर रहे हैं, बदलाव वो कह रहे हैं अभी कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं जैविक खेती करते हैं आप? हाँ सर करते हैं। कितने समय से कर रहे हैं आप? साल 1.5 साल हुआ।
जैविक खेती में आप किस तरीके से शुरुआत करी आपने? वो वैसे डीकंपोजर से वो खाद बना के उसे शुरुआत की। बदलाव महसूस कर रहे हैं? अभी चल रहा है धीरे धीरे काम। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि जो जैविक खेती कर रहे हैं उसमें उनको बदलाव अभी थोड़ा थोड़ा सा ही महसूस हुआ है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैविक खेती करते हैं आप? हाँ। बताएं, जैविक खेती आप किस प्रकार से करते हैं? कसुआ से खेती में बना कर रखा है, उसको खाद ना खाए और पेड़ पार कर बदल रहा है। तो जैविक खेती में आपको फायदा नजर आ रहा है? फायदा मिला। किसान बहनें जो अभी ये कार्यक्रम देख रही हैं, आप उनको कुछ संदेश देना चाहती हैं? फायदा मिला है कि यूरिया और डीएपी नहीं डालना, ये डालना सही रहता है। देखिए, हमारे किसान बहन ने कहा है कि यूरिया और डीएपी नहीं डालना, और अगर आप जैविक खाद डालेंगे तो इसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करती हैं आप? मैं करता हूँ सर, जोरदार फसल होती है और कैप्सर खाद बनाता हूँ, कुंडियों बहुत रेडी रेट है, बहुत फायदा है। कितने समय से कर रहे हैं आप? मान 3 साल भी है। तो आपको कुछ बदलाव महसूस हुआ? जोरदार बदलाव, घनो ही घनो। और अगर बात करते हैं उत्पादन की, तो उत्पादन में कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? जो फायदा बहुत है, सब्जी घनी तेज बढ़िया वे है, खाने लायक वे है, बहुत बढ़िया है। देखिए, हमारे किसान बहन ने कहा है जो उत्पादन है वो जोरदार होता है, खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, और उन्होंने कहा है कि जैविक खेती लाभकारी है। देखिए, अगर आप भी जैविक खेती करना चाहते हैं तो आप भी अपनी जो रासायनिक खेती है उसको कम करें और जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाएं, और वेस्ट डिकम्पोजर आप लें, उसका इस्तेमाल करें, और उससे लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज के गांव डोली की चौपाल चर्चा से बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।